सो फ्रेंड्स, ये 2024 का मोस्ट एंटिसिपेटेड स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A जो कि फ्लिपकार्ट पर स्पेशल ऑफर के तहत आपको काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। सो फाइनली मेरे पास आ चुका है फ्लिपकार्ट का रिटेल यूनिट बॉक्स जिसके अंदर हमारा प्यारा दुलारा नथिंग फोन 2A एंड ये जो फोन है हमने सिर्फ 13,999 रुपए में परचेस किया है। कैसे परचेस किया है? HDFC बैंक के ऊपर 2,000 रुपए का डिस्काउंट, 1,000 रुपए का कॉइंस कूपन एंड 2,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। तो स्पेशल ऑफर के तहत ये जो फोन है सिर्फ 14,000 रुपए में मिला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से करेंगे फ्लिपकार्ट के रिटेल यूनिट बॉक्स को अनबॉक्स एंड देखते हैं कि नथिंग फोन 2A के अंदर क्या कुछ खास ऐप बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। सो नथिंग फोन 2A का बॉक्स कुछ इस टाइप आपको देखने को मिल जाता है। काफी छोटा सा पतलू सा बॉक्स है। वैसे बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे ज्यादा कुछ खास स्पेसिफिकेशन तो मेंशन नहीं किया है। तो बॉक्स का साइज देख सकते हैं काफी ज्यादा छोटू सा बॉक्स है। सो चलिए जल्दी से करेंगे नथिंग फोन 2A को अनबॉक्स एंड जो टॉप साइड का सील उसको करेंगे ब्रेक। सो सील ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स को करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद देखते हैं क्या कुछ खास ऐप बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। सो बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेटी मिल जाता है। सो पेटी को करेंगे इस टाइप से ओपन। ओपन करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा हैंडसेट जो कि है नथिंग फोन 2A एंड इसके पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे तो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली पैकेजिंग है। तो चलिए जल्दी से करेंगे इसको अनरैप एंड अनरैप करने के बाद उसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं नथिंग फोन 2A जो कि स्पेशली मैंने व्हाइट कलर परचेस किया है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ क्योंकि जो वारंटी ना काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। चलिए इसके बाद बॉक्स के अंदर क्या कुछ खास कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे डेटा केबल देखने को मिल जाती है, टाइप सी टू टाइप सी आपको डेटा केबल मिल जाती है। उसके बाद कुछ पेपर वर्क मतलब कि यूजर मैनुअल है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन जो कि काफी स्टाइलिश आपको ट्रांसपेरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। सो बस बॉक्स के अंदर आपको इतने ही बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में नजर डालेंगे नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये नथिंग फोन 2A जो कि मिड सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है कैमरा के लिए एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो चलिए जल्दी से करेंगे फोन को स्टार्ट एंड फोन स्टार्ट होते होते इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। सो इस फोन के राइट साइड में पावर बटन मिल जाता है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाते हैं। बॉटम साइड के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी स्टेरियो स्पीकर है, USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है एंड सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। एंड सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करेंगे जो कि एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे है, एक साथ 2 नैनो सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड टॉप साइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो इस फोन के जो बैक पैनल है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक बैग का मिल जाता है एंड प्लास्टिक बैग की वजह से इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हल्का हो चुका है। सो टोटल वेट के बारे में बात करेंगे तो 188 ग्राम का वेट है। इसके बाद दोस्तों इनहैंड फीलिंग के बारे में बात करेंगे तो काफी सही आपको इनहैंड फीलिंग देखने को मिल जाएगी। बैक पैनल में ज्यादा कुछ खास ऐप है, फिंगरप्रिंट के मजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। साइड की फ्रेम के बारे में बात करेंगे वो भी आपको प्लास्टिक की मिल जाती है लेकिन आपको बॉक्सी डिजाइन मतलब भी फ्लैट एजेस है। वैसे बैक पैनल की जो साइड की एजेस है हल्के से कर्व टाइप के देखने को मिल जाते हैं जिसके वजह से काफी बेटर हैंड ग्रिप देखने को मिल जाती है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे जो डिजाइन है ना काफी ज्यादा प्रीमियम लगा है एंड यस आपको जो ग्लिफ इंटरफेस है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो इस डिवाइस में 6.7 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल एमोलेड पैनल के साथ आता है। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाती है एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर मिल जाता है एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 91.65% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इसके बाद 120 हर्ट्ज का स्मूथ अडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों वाइड 1 L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो Amazon Prime में Netflix उसके जो कंटेंट है फुल HD+ में वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों YouTube में हमको 4K HDR वीडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो YouTube में भी कंटेंट वॉचिंग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो काफी जबरदस्त आपको ब्रिलियंट क्वालिटी देखने को मिल जाती है एंड जो कलर से काफी ज्यादा एनहेंस्ड आपको बूस्टर टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं, वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इस ड्रेस में आपको फ्लेक्सिबल एमोलेड का पैनल मिल जाता है एंड काफी ज्यादा तेज आपको ब्राइटनेस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है क्योंकि 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाली मिल जाती है। एंड इसके अलावा दोस्तों 2160 हर्ट्ज का PWM डाइमिंग मोड मिल जाता है मतलब कि एंटी फ्लिकरिंग का भी डिस्प्ले मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी वन ऑफ द बेस्ट आपको क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है।
चलिए दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के कैमरा के बारे में। सो कैमरे बेयर काफी ज्यादा औसम है क्योंकि दोस्तों 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेनलेस एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें यार काफी सारे ब्यूटीफाई के फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो काफी ज्यादा बेटर कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं। डेडिकेटेड आपको नाइट मोड का फीचर मिल जाता है, एक्शन मोड का भी फीचर मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन का भी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों फोटोग्राफी के लिए भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो 4K एट 30fps एंड 1080 पिक्सल एट 60fps का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको वीडियो में EIS मतलब कि स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है, जैसे कि इंडोर प्लस आउटडोर में कैमरा सैंपल्स कैप्चर किया है। वैसे स्किन टोन ब्राइटर है, नेचुरल टोन के साथ फोटोज कैप्चर करता है। वैसे पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स काफी बेटर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में 2x मोड का जूमिंग सपोर्ट मिल जाता है। इंडोर के बारे में बात करेंगे तो लो लाइट कंडीशन में काफी बेटर फोटोज कैप्चर करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कलर्स के बारे में, काफी एक्यूरेट नेचुरल टोन के साथ आपको यहाँ पे एक्यूरेट कलर्स देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी ज्यादा ओवर सैचुरेशन इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों डायनेमिक रेंज के बारे में बात करेंगे तो डायनेमिक रेंज वो भी यार काफी सही देखने को मिल जाती है। वैसे पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन से काफी सही से मैनेज करता है। एंड पिक्सेल डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे तो OIS के वजह से पिक्सेल डिटेलिंग भी काफी जबरदस्त निकल के आ जाती है। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे वीडियोग्राफी, सो वीडियोग्राफी के लिए इसमें आपको 4K एट 30fps का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ES मतलब कि आपको वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो काफी जबरदस्त यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होता है। वैसे वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के पावर के बारे में। सो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। काफी ज्यादा पावर इफिशियंट प्रोसेसर है। एंड इसके लिए दोस्तों बात करेंगे अंतुदु बेंचमार्क स्कोर, तो इस डिवाइस में जैसे जैसे 6.5 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुदु बेंचमार्क स्कोर निकल के आ जाता है। सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा सीपीयू यहाँ पे थ्रॉटल नहीं करता है, 93% आपको पीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड इसके बाद दोस्तों गेमिंग के बारे में बात करेंगे तो बीजीएमआई गेमिंग ग्राफिक्स में देख सकते हैं, स्मूथ में आपको एक्सट्रीम ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस HD HDR में आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों गेम प्ले के बारे में बात करेंगे, वैसे काफी स्मूथ आपको गेम प्ले देखने को मिल जाता है, ज्यादा कुछ खास यहाँ पे लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड फ्रेम ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो माइनर से यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं, 54 या फिर 55 तक मुझे यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में गेमिंग में मुझे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों जायरोस्कोप के बारे में बात करेंगे तो काफी स्टेबल एंड एक्टिव जायरोस्कोप देखने को मिल जाता है। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन, वैसे अगर आपको उसका फुल डिटेल में बीजीएमआई टेस्ट का रिव्यू का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड यस, लॉन्ग लाइफ गेमिंग करने के लिए इस डिवाइस में आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, प्लस आपको 45W की सुपर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर एंड OS के बारे में बात करेंगे तो इस डिवाइस में लेटेस्ट आपको नथिंग OS 2.5 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। एंड डोंट वरी, इस डिवाइस में आपको 3 साल तक एंड्रॉइड के मेजर अपडेट भी देखने को मिलने वाले हैं एंड 4 साल तक आपको सिक्योरिटी पैचेस की भी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर UI एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो काफी बेटर आपको मिनिमलिस्टिक लुक देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो काफी लाइटर आपको सॉफ्टवेयर का UI देखने को मिल जाता है। एंड जैसे फोन स्टार्ट करेंगे तो फोन स्टार्ट करने के बाद किसी भी एंगल से आपके यहाँ पे जो ब्लॉटवर से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, कोई भी कचरा वगैरह आपको इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, काफी नीट एंड क्लीन आपको OS देखने को मिल जाता है। एंड इस डिवाइस में कस्टमाइजेशन काफी नेक्स्ट लेवल के देखने को मिल जाते हैं, सेटिंग में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, विजेट्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एंड इस फोन की जो आइडेंटिटी है जो कि है ग्लिम्प इंटरफेस, अगर आपको जो लाइटिंग है ग्लिम्प लाइट को कस्टमाइज करें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों स्मूथनेस के बारे में बात करेंगे तो कई भी जिटर्स एंड लैग वगैरह मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, काफी बेटर आपको स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों हैप्टिक फीडबैक के बारे में बात करेंगे तो काफी बेटर आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाएगा, इसके जो वाइब्रेशन की मोटर है काफी बेटर आपको फील दे देगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का फीचर मिल जाता है। सो फिंगरप्रिंट के स्पीड के बारे में बात करेंगे तो भी यार काफी ज्यादा एक्टिव आपको स्पीड देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे फेस अनलॉक, तो फेस अनलॉक का भी स्पीड काफी ज्यादा फास्टर मुझे देखने को मिला है। एंड इसके बाद दोस्तों इस डिवाइस में आपको स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट मिल जाता है, सो अगर आपको इस डिवाइस की ऑडियो क्वालिटी सुनी है तो ऑडियो क्वालिटी भी सुन सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में बात करेंगे, तो इस डिवाइस में LPDDR4X टाइप का रैम सपोर्ट मिल जाता है एंड UFS स्टोरेज 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है। 8GB 12GB ऐसे दो रैम वेरियंट मिल जाते हैं, वैसे 128GB एंड 256GB ऐसे दो स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाते हैं। एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो टोटल 13 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, 5G WiNR का सपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों डुअल 4G एंड डुअल 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है एंड यस आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ऐसा है कुछ पावर पैक नथिंग फोन 2A। सो फ्रेंड्स आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको ये फोन परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट के सेल पे आप इसको डिस्काउंट में परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।